जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया हो। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और चार चार गोली खाई मैंने। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता नहीं लगा सिस्टम के लोगों को क्या बेवकूफी की गई है। वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया हो। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और चार चार गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने, हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता नहीं लगा सिस्टम के लोगों को क्या बेवकूफी की गई है। ये सोचने का विषय है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या, खैरात दी क्या आपने कोई, खत्म कर रहा हूँ सर, खैरात दी क्या आपने कोई, इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते, आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, माइंड अप प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहाँ बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहाँ किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखना मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे, थैंक यू, थैंक यू, कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।